देखो आपने सब नहीं लिया हूँ आपने ला रहे भरजू मतलब दाना मने कोई लुगा एक और मासी दो ये जो बदन भाई ओ बदन भाई ओ बहुत हो रहा भाई ओ बदन भाई अपने संगे में शामिल ले आए धन्यवाद वाला वासना अपने संगे में सही करो खड़े करो उबारो खड़ा रखो खड़ा बाजे करो अपन करो सरला बाजे लौटो बड़ी बात बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं माने संगठन दारे एक मिनट हूँ जो अब माने के ये गड़ा चार आज पंच बनी जा चार पंच माने दारे लड़नो पड़ी ठीक है वे तो वे ओलीडी पंच है ठीक है अब आप चार ही नेतृत्व में आज अध्यक्ष हो गया माने जैसा संगठन रो ठीक है नहीं तो हम आज अध्यक्ष सीधे बना हमें नाम बताओ एक रो अध्यक्ष जो अपने कार्यकारी में संगठन नहीं है वो नहीं चाहेगा दूसरा संगठन है ना श्रमिक संगठन बना रहा हूँ ये तो संरक्षक रहेगा काले इन बल्दी काले दिल्ली गेट मजदूर लीडर कसो मना चाहो थोड़ा जुजाल मना चाहो बोलवा में भी चालवा में भी किने मना ताकि वो मीटिंग में भी आवे बराबर तो ठीक रहेगा एक बार खूब बात नहीं किया देखो खूब बात नहीं किया देखो दो दो पढ़ता है भाई खड़ा हो माला पहनाओ और जिम्मेदारी दो जोर हो जाओ ताली लेटर पेड लेटर पेड मैंने चलो बैठो सबकी जिम्मेदारी आप उतरेगा आपने तो मजदूर संगठन है चाहे बागवानी में जाए कभी भी जाए आपने सभी मदद करनी पड़ेगी कितने जा अध्यक्ष के लिए कौन चुन रहा है बता दो इसको चुन रहा है कई नाम है प्रेम प्रेम भाई अरे अच्छा नाम है गोविंद भैया रोनी साले ऐसा हम लोग आगे आ गए हम कह देते अरे चलो चलो खड़ा हो हाँ लड़ाई करनी है उठा बोने भाभी अरे जिन्हें देश का बने खूब खड़ा हो वो मैडम अब नाराज हो जाएगा तो मैं कर दो
अरे आवाज को पहुंचा है अखबार में
अच्छे दिन तो आपको मुबारक हो, हमें तो हमारे बुरे दिन ही दे दीजिए, हमें तो हमारे बुरे दिन ही दे दीजिए सरकार, मोदी जी सरकार। आप इतना स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाइए, आपका नारा बहुत अच्छा है, सभी जनता चाहती है सुंदर शहर बने, स्वस्थ रहे, लेकिन आपको गरीब जनता की तरफ भी देखना है, ये कानून वापस लेना होगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, जब जब भी जरूरत पड़े एकजुट होकर हमारे जगदीश राज जी और हमारे बीएल सिंह जी साहब, हमारे बैंक के जो अनिल जी भटनागर साहब है उनके साथ में भी, हमारे जितने संगठन है 11 ट्रेड यूनियन के साथ में, एकता के साथ में जब भी होगा जुर्म और जुर्म की टक्कर में आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी ज्ञापन ज्ञापन साथियों, लंबे समय से साथियों, हम गरीब है बेचारा, रोज के 100 रुपए बढ़ता कमाता है और उसके ऊपर 1600 रुपए चालान बना दिया जाता है गरीब को, और 107 की धारा लगाकर ये पुलिस वाले उसको बंद कर देते हैं। अरे ये क्या क्या, अरे ये क्या मतलब है गरीब के साथ? गरीब एक तरफ 12 घंटे खड़े होकर के और अपना व्यवसाय करना है, अरे टेम्पो वाले अगर उसको नौकरी मिल जाती तो शायद, हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से और वसुंधरा सरकार से और उदयपुर के प्रशासन से, शायद वो टेम्पो नहीं चलाता, वो टेम्पो नहीं चलाता। आज 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर उदयपुर जिला मुख्यालय पर बहुत ही सफलतापूर्वक हो रही है, और जिस तरीके से श्रमिकों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश है वो आपके सामने जाहिर है। हम चाहते हैं कि ये संदेश आपके चैनल के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि उन्होंने किस तरीके से अल्प समय में पूंजीवाद को बढ़ावा देकर मजदूरों को कुचलने का कार्य किया है। हम सारे श्रम संगठन इसकी घोर निंदा करते हैं सरकार की नीतियों का, और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार समझ जाए, सुधर जाए, अन्यथा श्रमिक अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को और ज्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे। देश को बनाता है मजदूर और किसान, निर्माण करता है मजदूर, और उसी मजदूर निर्माण और उत्पादन करने वाले हाथों को जिस तरीके से कुचला जा रहा, दबाया जा रहा और कमजोर किया जा रहा है, उससे देश मजबूत नहीं हो सकता। देश मजबूत तब होगा जब मजदूर खुश होगा और उसके पेट में रोटी होगी, तब वो पूरा काम कर पाएगा, तब देश में उत्पादन होगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो मोदी जी आप जब दिल्ली में बैठे हैं और आपने जब बड़े बड़े वादे चुनाव में किए, हम पूछना चाहते हैं कि आज अच्छे दिन किसका है? अच्छे दिन सिर्फ आप क्या है और बुरे दिन जनता क्या है? तो हमें वो पुराना दिन हमें वापस लौटा दीजिए, हमें बुरा दिन ही मंजूर है, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे हिंदुस्तान में सभी मजदूरों ने जितने इंटक को छोड़ करके, इनके पहले छोड़ करके करेक्ट कर लिया भाई, बीएमएस को छोड़ के तमाम लोग, मतलब हमारे यहाँ है 11 यूनियन है जिसमें एक बीएमएस नहीं आई क्योंकि वो सरकार ने उसको दबा दिया गया। आज देश में तमाम मजदूरों की हालत इतनी खराब है, आप देखो छुटकर मजदूरों का तो कोई जनी दोरी नहीं है, और वो श्रम कानून बना करके पूंजीपति के पक्ष में कानून बना रही है सरकार, और कहती है सबको साथ और सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ नहीं है। अडानी अंबानी टाटा बिरला का साथ है, और ये मोदी जी कहते हैं मैं तो चाय वाले को बर्दाश्त नहीं कर रहे, चाय वाला होता है वो गरीब आदमी की बात करता है, चाय वाला गरीबों की मतलब अपने हालत को समझता है, उनकी परिस्थितियों को समझता है, चाय वाला नहीं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आए, ये सारे एक तो मतलब अघोषित इमरजेंसी लगा दी, अघोषित इमरजेंसी, और बिल्कुल तानाशाही रवैया है, कोई बोल नहीं सकते। और विदेशों में जाते हैं तो अकेले अकेले जाते हैं, जिस तरह से लोग इनके साथ मीडिया को ले जाना चाहिए वो नहीं जाते। आखिर चाहते क्या हैं, किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं? हिंदुस्तान का मजदूर किसान नौजवान ये समझ गया है जितने धोखाधड़ी करने की बात की है, और उन्होंने अभी विरोधी बाबा देने से देश का लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा और देश का विकास नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ उस मौके पर। अभी तो मजदूर में बढ़ती भी महंगाई, रोजगारों की कमी, निजीकरण का बढ़ावा और पूंजीपतियों को
बेहिसाब दौलत का आवंटन करने वाली इस मोदी सरकार के खिलाफ है। ये वादे किए थे मोदी ने कि आने वाला समय अच्छे दिन का होगा, महंगाई कम होगी, सस्ता होगा प्याज। आज प्याज को लेके आम आदमी रो रहा है, रोजगार को लेके मेरा नौजवान रो रहा है, रोजगार के उपलब्ध साधन कम होते जा रहे हैं और पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती जा रही है। और श्रमिकों को और किसानों के संग, जो श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए नए अधिकरण नियम लाए जा रहे हैं, वो उनके लिए कटौती का साधन बनते जा रहे हैं और उसके विरोध में आज मजदूर 2 सितंबर को खड़ा हुआ है और आने वाले समय के लिए चेतावनी है। अगर ये सरकार नहीं समझती तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको बदलने में देर नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अरुण निगम, जिला सचिव, BSNL एम्प्लॉय यूनियन, BSNL उदयपुर। ताकि अपना यूँ लगे कि हाँ सरकार ने भी लगे कि भाई है, और जो संगठन है डरा उन्हें पूरा आज संगठन से तारीफ कर भी और समाज में उतरी एकता और समाज इतनी लुभाया एक ला रहे तो आप, लेकिन आप अपने जाना पड़ेगा। अगर अपने रोजगार की मांग करनी है तो आना संगठन के दायरे लेना पड़ेगा, आना संगठन का लेटर पेड लेना पड़ेगा, संगठन अपने वास्ते धरना रहेगा कि भाई आना महिला ने रोजगार वास्ते जोड़ो, संगठन का नाम भी रहेगा। आज अपना बड़े नाम अखबार में आए नहीं आए मंडी राज की, लेकिन लोगों के मन में आप सही है और समाज की महिला है। अच्छा नौकरी में भी है, वकील है, इंजीनियर है, वे लोग बटे दिल्ली में लड़ी जाए, आप लोग बटे लड़ी जा, वे लोग दिल्ली तक लड़ेगा ताकि बटे बटे धरना लगी रहा। आज मना भी धरना लगाया, वे कह रहा भाई हमारे समाज में मैंने ये होना चाहे, देश में मैंने ये होना चाहे, तो पूरा देश में मिलने आज सब देख लगेगा। तो कने कने अपने बातें प्रधानमंत्री लेकिन आगे अच्छा मुझे थी क्या बात करो नहीं, ये यानी जमीन का पाना मारा था और पेटी जो मैं मारा नवला माता को दे दी थी और पेटी कटे वे पाना तो अपने रा नंगर रा पाना मारे पाई सी बात अपने की जरूर नहीं पाना ने अपने देखो नहीं जमीन रा पाना हां जब जमीन रा मालिक का पाई जड़ा ठीक है अपनी जगह है पट्टो ही मार बा पट्टा सब जमीन रा पाना जगह है दीदा अपने संगठन है अपना बैनर लगेगा अपना लगेगा क्योंकि अपनी समाज ने आज तक देश आजादी के बाद काम कितो ही नहीं समाज वाला अपनी पहचान पे अपनी पहचान आज दिन तक तो बनाई नहीं। आज आप पहली बार आया आपने के लागू नहीं लागू कितना संगठन ला रहे काम की तो बदलग लागू लगो कहता ओके अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए जियो जीती जिंदगी जिंदगी पे तो अपने स्वार्थ नहीं देख रहा अपने दूसरा स्वार्थ देख रहा दूसरा करने मजबूरी पड़ जाता अपने समय समय पर जानो संगठन जो आप जो महिला प्रकोष्ठ बनाए माने जो जय जसमा श्रमिक।